जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक शिविर कृषि महाविद्यालय में लगाया गया। जज साहब है, न्याय न्याय न्यायालय में न्याय होता है, तो उसमें जो व्यक्ति मान लीजिए किसी ने लोग उभय सुख होता है और कार्य जो है और परिवार में समृद्धि हो, यदि दो चीजें हैं तो कार्य अच्छा है, तो मानव दो ही काम करता है, अवस्थाएं होती है पदार्थ अवस्था ज्ञान पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, और मानव के आचरण निश्चित हो जाए ये शिक्षा और संस्कार से अपेक्षा है कि हमारी शिक्षा कैसी हो कि मानव का आचरण निश्चित हो जाए। आचरण निश्चित होने का मतलब ये है, ये बीम में लोहा लगा हुआ है, यदि लोहा का आचरण है कि ये कुछ निश्चित भार वहन करता है, यदि ये कह दे कि बुधवार है आज मंगलवार है मंगलवार को मैं वजन नहीं लूंगा तो क्या होगा, अनिश्चितता हो जाएगी, लो छत नीचे आ जाएगी। इसी तरह से यदि जीवों में देखा जाए, कुत्ता 100% कुत्ता होता है, बिल्ली 100% बिल्ली होती है, उसमें उसका आचरण जो है वही होगा, सर्प का जो आचरण होगा सर्प का ही आचरण होगा, बिच्छू का आचरण होगा बिच्छू का आचरण होगा, किंतु मानव का आचरण कोई निश्चित नहीं है, वो कहता है आज संडे आज काम करने का मूड नहीं है। विधिक साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर कुछ जो विधिक सहायता प्राधिकरण है अपना उनकी ओर से आज कानून की जो आधारभूत जानकारी है जो छात्रों के माध्यम से युवाओं के माध्यम से समाज में जानी चाहिए उसके उपलक्ष्य में एक महाविद्यालयीन स्तर पर न्याय विभाग द्वारा और जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय डॉक्टर श्री अरुण कुमार सिंह साहब की अध्यक्षता में आयोजित है, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव साहब भी पधारे हुए हैं और विषय विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पर उसकी माहिती दी जा रही है जो कि जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है ताकि हम ये सब बातों को जान सकें और प्राथमिक तौर पर ही कानून का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को और अच्छा सरल सुगम प्राप्त कर सकें।